अभी आपको हम मिलवाने जा रहे हैं हमारे एक जीसी से जुड़े हुए एक बहुत ही अच्छे और बड़े टाइल्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनके बारे में बोला जाए तो इनका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है काम करने का और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा देते हैं। ये हैं मिस्टर शमशाद जी, और आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या क्या चीज़ का काम करते हैं और इनका अपना जीसी के बारे में क्या सोच है। शमशाद जी नमस्कार। नमस्कार तो जी शमशाद जी बताइए कि आप जो ये काम करते हैं टाइल्स का, तो जी आपका टाइल्स का काम कहाँ कहाँ चल रहा है अभी पटना मेरा अभी एक राजीव नगर है में? जी, और एक राजा बाजार है, और एक ये जगनपुरा है। मेरा काम यहीं हो रहा है, और अभी 8x4 का टाइल लगा रहे हैं और 32x64 भी लगा रहे हैं, जिसमें एडहेसिव है, एडहेसिव भी यूज कर रहे हैं। और एडहेसिव में मतलब कि एडहेसिव लगाने के बाद में हमको ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, तो ये चीज बताइए कि अभी जो आप काम कर रहे हैं, जैसे किचन का कर रहे होंगे, बाथरूम जी का कर रहे होंगे, या छत का कर रहे होंगे, तो जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो हम लोग जो टाइल्स लगाते हैं, वो टाइल्स नॉर्मल सीमेंट वालों पे लगाना चाहिए, या कुछ उसका अलग से हम लोग जो यूज करते हैं एडहेसिव, क्या आप साइट पे यूज करते हैं? हाँ, साइड पे यूज करते हैं जीसी का ही एडेसिव अभी है, वो बहुत बढ़िया है, उसी को यूज कर रहे हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये जो जीसी का एडहेसिव यूज कर रहे हैं, जी तो अलग अलग साइज के जी लिए, टाइल्स के लिए तो जी अलग जी अलग आता अलग होगा? अलग है, T1 है, T2 है, T3 है, T4, T5। तो आइए एक बार फिर हम सब साजिश से मिलवा रहे हैं आपको। जो अभी आपको बताएंगे कि ये जीसी परिवार से जुड़े हुए हैं, और ये जो भी इनका काम होता है जीसी के थ्रू होता है, और ये हमारे बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, और ये जो काम करते हैं इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इनसे एक बार बात करते हैं और ये क्या क्या चीज़ का काम करते हैं। तो शमशाद जी बताइए, आप क्या क्या चीज़ का काम करते हैं? पहले तो हम ग्रेनाइट का करते, पहले हम टाइल का करते थे, ठीक है। अब इटालियन आने लगा इधर, तो इटालियन का भी काम यहाँ पहले नहीं होता था, क्योंकि कहीं नहीं रखता था इटालियन। ये जीसी जब से मतलब आए हैं तो यहाँ इटालियन मतलब आना, अब हर जगह मतलब लगाना स्टार्ट कर दिए, तो इटालियन भी लगाने लगे हम। और टाइल तो लगाते ही हैं, टाइल का कोई भी ऐसा साइज आ जाए सब लगा देंगे हम, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज बताइए शमशादी, जो टाइल्स लगाते हैं आप, जी जैसे अंदर जो लगाते हैं और बाहर लगाते हैं, तो जी अंदर जो लगाते हैं उसमें एडहेसिव यूज होता है, जी और बाहर लगाते हैं उसमें भी एडहेसिव यूज होता एडहेसिव है यूज ना? होता है जी, तो आप कहाँ के लिए कौन सा एडहेसिव यूज करते जैसे हैं? तो वो टाइल पे निर्भर करता है, अच्छा, जैसे जैसे टाइल का साइज। अगर हमको बाथरूम में लगाना होगा टाइल्स, जी अगर मान के चलिए 12x18 टाइल्स लगाना होगा, तो हाँ, उसके लिए कौन सा एडहेसिव आप यूज करते हैं? T5 भी डाल सकते हैं, अच्छा, और अगर 32x64 या उससे 8x2.5 का लगाना होगा तो? 8x2.5 का अगर लगाना होगा तो T3 अच्छा अच्छा वो अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा तो ये किसका आता है एडहेसिव? ये जीसी का है अच्छा जी, एडेसिव अच्छा जीसी का। जी तो जैसा कि इनका कहना है कि सब चीज के लिए, जैसे टाइल्स पे डिपेंड करता है, अगर बाथरूम का जो टाइल्स जी है वो छोटा है तो उसमें जो नॉर्मल एडहेसिव लगता जी है, जी और जो बड़ा साइज होता है टाइल्स का उसके लिए अलग एडहेसिव आता है। जी तो एक चीज बताइए शमशाद जी, जो जी हम लोग छत पे जो टाइल्स लगाते हैं, जी तो क्या उसमें एडहेसिव वगैरह भी यूज होता है या हाँ, फिर? एडेसिव भी यूज यूज कर सकते हैं, और आप ग्रुपिंग करके अपोक्सी करवा सकते हैं उसमें, अच्छा, टाइल्स के उससे बीच में ना? जी अपोक्सी करने से होता है क्या, वाटर प्रूफिंग, जैसे पानी नहीं मतलब रुकना है, पानी जाएगा नहीं अंदर उससे। और अच्छा ऐसे नॉर्मल अगर कर देते हैं तो जितना भी वाइट सीमेंट मारना चाहें पर वो नहीं हो पाएगा। अच्छा तो आप एक चीज बताइए, और ऐसे क्या क्या चीज का काम कर लेते हैं? जैसे अभी आप बताया कि टाइल्स का काम कर लेते हैं, ग्रेनाइट का काम कर ग्रेनाइट लेते का हैं, काम इटालियन का कर लेते हैं, जी, तो इसका तो रेट वगैरह क्या लेते हैं आप काम करने रेट का? जैसे फर्स्ट में साइड देख लेते हैं, ठीक है, साइड पे जाने के बाद में देख लिए क्या है साइड पे, किस तरह का साइड है, छोटा है तो उसके हिसाब से मतलब रेट वेट करते हैं अपना, बड़ा अगर रहा तो उस पर थोड़ा करते हैं, अच्छा, कम तो हो जाता ओवरऑल है देखा जाए तो साइट पे जाके ही आप फाइनल करते हैं, जी, है ना? साइड पे जाने के बाद ही। अच्छा, और अगर एक्सटर्नल में, बाहर में अगर आपको टाइल्स लगाना होगा या स्टोन लगाना होगा, तो उसमें क्या प्रोसेस है? सीमेंट वालों से लगाते नहीं, हैं या सीमेंट पेंटल वालों यूज से नहीं करते हैं? लगाते एडहेसिव हैं लगाते हैं। जी, एडेसिव अच्छा, जीसी एडहेसिव का ही, लगाते हैं। जीसी एडहेसिव का बार में क्यों लगाना चाहिए? वो धूप से थोड़ा सीमेंट का
जो धूप से जो है ना छोड़ देता है वो, अच्छा गर्मी कारण से गर्मी के छोड़ देता है। कारण जी। अच्छा और ये एडेसिव डालने से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो किसका इसका एडेसिव पकड़ करते बहुत हैं, जीसी का ना? जीसी का, जीसी का। अच्छा, तो जैसा कि देख रहे हैं कि शमशाद जी बता रहे हैं कि जो एडेसिव होता है वो बाहर में भी एडेसिव यूज करना चाहिए, जी और एडेसिव वो डिपेंड करता है अंदर में हम कौन, बाहर में हम लोग कौन सा जी साइज लगा रहे हैं टाइल्स का या स्टोन लगा रहे हैं। जैसे कि इनका कहना है कि अगर हम लोग सीमेंट वालों से टाइल्स लगाते हैं या कोई भी स्टोन लगाते हैं बाहर में, तो एक समय के बाद वो छोड़ देता है, जी क्योंकि उसको भी सेट होने के लिए पानी का जरूरत होता है, और वो लगाते समय हम लोग एक नॉर्मल फर्स्ट टाइम में ही उसमें पानी दे सकते हैं जो कि हम लोग मसाला में देते हैं सीमेंट के साथ में, उसके बाद तो बाद में हम लोग उसको क्योरिंग नहीं कर पाते हैं, और क्योरिंग नहीं कर पाने का कारण क्या होता है, वो आपका बाद में वहां से गिरने का चांसेस होता है, तो एडहेसिव वहां के लिए सबसे अच्छा होता है जी ना। सबसे बढ़िया है, जैसे अच्छा बेस्ट। अच्छा तो बेसिकली आप अभी जो आपका काम चल रहा है जी जो साइट पे, वो अभी जी कौन सा साइज का काम चल अभी रहा है? 32-64 का लगा रहे हैं एडेसिव, T3। टी अच्छा थ्री गया है अभी, अच्छा 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 उसी मतलब यूज कर रहे हैं वही। अच्छा अच्छा जी अच्छा आप अगर मान के चलिए आपको कहीं से टाइल्स लगाने के लिए अगर कुछ मिलता है या कोई लीड आता है, तो जी कैसे आप उसको करना चाहेंगे? जैसे हमारे जो व्यूअर होंगे उनको, जी अगर जो ये वीडियो देख रहे होंगे या अभी देखेंगे, तो जी उनको अगर कहीं आपसे कांटेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे आपसे? अच्छा मेरा मोबाइल नंबर होगा, उस पर कॉल करेंगे, हम पहुंच जाएंगे साइट पे। तो एड्रेस आने के बाद में हम साइट पे पहुंचेंगे, अच्छा विजिट करेंगे साइट पे। जी तो अभी हम लोग पटना में हैं, तो अगर मान के चलिए पटना से बाहर भी साइट रहेगा तो अगर कर लेंगे ना, कहीं भी ऑल ओवर कर ले बिहार जी, में। ऑल ओवर बिहार। अच्छा तो एक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं शमशाद जी से, जी अभी आपको ये मोबाइल नंबर अपना शेयर कर देते हैं, मोबाइल नंबर आप इनका नोट कर लें, और अगर ज़रूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इनका मोबाइल नंबर, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इनका जैसे चार्ज होता है लगाने का, ये साइट विजिट का भी कोई चार्ज लेते हैं क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, हाँ साइट तो, विजिट का हाँ कोई तो चार्ज साइट विजिट करने का कोई चार्ज नहीं है, तो नहीं। अगर आपको कहीं टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट इटेलियन मार्बल अगर कुछ भी लगवाना है, तो एक बार शमशाद जी से मिलिए, और इनका नंबर अभी आपको शेयर कर देंगे, आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी शमशाद जी। धन्यवाद।